हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIIB 19 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, बिकॉज आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट था कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें जिससे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए और इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जो है हम किस तरीके से अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करें। ठीक है, सो वो डिस्कस करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर कोई कैंडिडेट AIIB 19 एग्ज़ाम देना चाहता है, सो गाइस प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज़ बाद में जो है आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को फिर हड़बड़ी में रहेगा। एक बार आप लोग फ्री हो जाइए अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कम्प्लीट करके, फिर आप लोग क्या करोगे, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस नहीं कर पाओगे अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो। ठीक है, सो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लो ताकि आपका पूरा फोकस जो है वो आप लोगों की प्रिपरेशन पर रहेगा। सो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट किया है कि जब भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो, AIIB एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उस सिलेबस गो थ्रू कीजिए। ठीक है, उसको देखिए कि किस तरीके से क्या पैटर्न है, किस तरीके से ये जो सिलेबस है ये बनाया गया है। ठीक है, रेलिवेंसी क्या है। ठीक है, सो उसके साइड में जो है आप लोगों को ये भी दिया होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, उससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि जी हाँ, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। सो हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगर कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि हमें जो है सिर्फ इस AIIB एग्ज़ाम के अंदर जस्ट पास होना है, जस्ट हमें 45 मार्क्स लाने हैं, सो गाइस ये आप लोगों के लिए वीडियो है। सबसे पहले आप लोगों को यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC को जो है आप लोगों को अपना प्रिपेयर करना है, बिकॉज़ ये ज़्यादा मार्क्स में आएगी आपके एग्ज़ाम में। आप लोग सिलेबस भी साथ के साथ खोल सकते हो, उसमें देख सकते हो कि कितने मार्क्स की आएगी। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ज़्यादा, मे बी ये 10 मार्क्स का है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ये 8 मार्क्स का है। आप लोग एक बार सिलेबस में चेक कर लेना, क्योंकि इसमें कोई इतना ध्यान नहीं है। IPC हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टोर्ट्स। ठीक है, सो गाइस ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, CRPC, CPC, एविडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और जो इंस्ट्रूमेंटल जो भी आप लोगों का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसको भी आप लोग प्रिपेयर करना, और IPC हो गया आप लोगों का, फैमिली लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉ ऑफ टोर्ट्स। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है, अपनी सबसे पहले प्रिपरेशन इन सब्जेक्ट्स की करनी है। फिर जो लोएस्ट वेटेज के टॉपिक्स यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं, मतलब कि अगर किसी कैंडिडेट को अपना इनकी भी प्रिपरेशन करनी है तो वो ये हैं, लेबर इंडस्ट्रियल लॉज। ठीक है, सो ये कम वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के। फिर है ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, साइबर लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल कम वेटेज के हैं, ठीक है, 2-3-4 मार्क्स के। सो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने कम वेटेज वाले सब्जेक्ट बताए ये प्रिपेयर ही नहीं करने हैं। गाइज आप लोगों को सब करना है, बट अगर आप लोगों को अपना ये करना है कि नहीं हमें सिर्फ पासिंग के लिए करना है, तो आप लोग ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट उठाइए, उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए, आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, अपना प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कीजिए और आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। अपनी अच्छे तरीके से लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये देखिए कि आप लोगों की स्पीड क्या है, कितनी देर में आप लोग कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, सो अगर स्टिल किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है, टेलीग्राम को ज्वाइन